प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो हमने आज आपको आईपीसी की जो रिमेनिंग क्लास थी उसके लिए बुलाया था। आप सब लोगों को पता है राजस्थली में जो बैचेस चलते हैं उनका एक तरीका है साइकिलिंग फॉर्म में चलना। तो एक बैच जो कंप्लीट हो रहा है आज आज उसकी लास्ट क्लास है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वो बैच कंप्लीट हो रहा है। बैच तो खैर जिन्होंने 1 साल की क्लासेस ली, हमारी टीम ने जिसको जिसका नेतृत्व मैं खुद कर रहा था, टीम ने पूरी तन्मयता से उन्हें पढ़ाया, बहुत अच्छा कराया और उस पे पूरे के पूरे साल में करीब करीब 30 से ज्यादा मीटिंग हुई होंगी, क्योंकि हर महीने चार पांच मीटिंग रखते रहे हैं कि क्या हम किस स्टूडेंट के लिए बेस्ट कर सकते हैं। और हर स्टूडेंट का हमारे पास एक डेटा है। जैसे आप लोग डीटीपी करते हो तो वो डीटीपी आप लोगों के लिए तो क्या है, एक ठीक है, एक एग्जाम हो गया, 10 क्वेश्चन हो गए रोजाना के, लेकिन हमारे लिए वो इस बात का एक तरीका है कि आप पास हो रहे हो या नहीं हो रहे। हम आपका एक ग्राफ तैयार करते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कितने डीटीपी आपने दिए पूरे महीने, हर वीक कितने दिए, आपकी स्थिति क्या चल रही है। मेंस के एग्जाम्स के भी हम रिजल्ट्स आपके रखते हैं कि कितना किस स्टूडेंट ने कितना किया। क्योंकि आप जब ज्वाइन किया आपने राजस्थली तो आपका एक ध्येय था और ध्येय वो आज भी है। वो ध्येय है कि कैसे ही ना कैसे ही आपके सपने को पूरा करना। सपना था जज बनना, जूनियर लॉ ऑफिसर बनना, किसी का सपना है प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनना। तो आप आपके सपने को पूरा करने के लिए यहाँ आए हैं। और ये सच मानिए कि जो आप लोगों का सपना है वही हमारा सपना भी है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट लफ्फेबाजी से बहुत दिन तक नहीं चल सकता। लफ्फेबाजी का मतलब क्या है कि झूठे रिजल्ट से बहुत दिन तक नहीं चल सकता। इंस्टीट्यूट करते होंगे चीटिंग, लेकिन यहां नहीं हो सकती, क्योंकि ये मेरे अपने सिद्धांत है, तो सिद्धांतों के खिलाफ नहीं हो सकता कुछ भी। हाँ, मेरा स्वभाव थोड़ा सा कर्कश इसलिए रहता है क्योंकि जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं मैं भी उसी को पाना चाहता हूं, और मैं आपका कोच हूं और आप मेरे खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ी सक्सेस होगा तभी तो कोच की कोचिंग चलेगी, अन्यथा तो कोच की कोचिंग नहीं चलनी है। ठीक है ना, ये नहीं मैं कर सकता। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले एक ऐड देखा, उस ऐड में लिखा कि पिछले 4 आरएएस से प्रथम से 10वें स्थान तक हमारे स्टूडेंट। अरे भाई, तैंने पिछले साल तो कोचिंग खोली है, डिजिटल से ऑनलाइन से तेरा नाम वाम हो गया, आरएएस में तैंने कभी प्री भी क्लियर नहीं किया। अरे भाई, हम तो इन सब चीजों के इंटरव्यू दिए बैठे हैं। तो ये जो लफ्फेबाजी है बहुत दिन तक नहीं चलती, लेकिन ये चीटिंग है स्टूडेंट्स के साथ। वो राजस्थली में तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती। आप नहीं पास होगे, मेरे पास रिजल्ट नहीं होंगे तो मैं नहीं छापूंगा, लेकिन मैं छापूंगा वही जो मेरे हैं। लेकिन लोग चला रहे हैं, मार्केट है, उनके लिए गुरु शिष्य की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन राजस्थली के लिए है। इसलिए राजस्थली ये चाहता है कि जिसका भी कोर्स कंप्लीट हो गया है वो अपनी लिस्ट बना ले कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें उसे ऐसा लगता है कि उसे और आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता है। तो हम उसके लिए एक कुछ सेपरेट बैच जिसमें 3 डेज वीक में 3 डेज क्लासेस हो जाएंगी ऑल्टरनेट डेज में, और जिस जिसकी पर्ची हमारे पास आएगी दीपक सर उसकी एक लिस्ट बना लेंगे कि ये टॉपिक्स हैं। उसमें क्लासेस पूरी की पूरी नहीं होंगी, लेकिन जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एविडेंस बनाया, सीपीसी बनाया, टॉपिक्स आ गए आपके, हम उन टॉपिक्स को फिर कवर कराएंगे और हम बताएंगे कि इन्होंने ये रिक्वेस्ट, इस स्टूडेंट ने ये रिक्वेस्ट की है। ठीक है ना, उन टॉपिक को हम दोबारा भी कराने के लिए तैयार हैं कोई भी चीज, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप पास हों। आपने यहां लिखा हुआ देखा है,
न्याय करना सौभाग्य की बात है और यह सौभाग्य हम आपको दिलाना चाहते हैं। ये सही मानिए, ये हमारा ध्येय वाक्य है। प्रत्येक स्टूडेंट के संबंध में ये हमारी इच्छा है। अभी तो जैसे ठीक है, क्लासरूम बड़े हैं, सारी चीजें हैं, बापू नगर सेंटर पे भी जब क्लासेस इतनी बड़ी हो गई कि चलाने को चला सकते थे 150-200 की क्लास, लेकिन मैंने बंटी को कहा नहीं भाई, मैं ये क्या है, ये अपने सिद्धांतों के खिलाफ है, हम 70-80 से ज्यादा की क्लास नहीं चलाएंगे। तो वो मेरे से कहने लगा कि आपको कई बार पढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैं 3 बार पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं इतनी बड़ी क्लास नहीं पढ़ा सकता। ऐसा नहीं है पढ़ा नहीं सकता, पढ़ा सकते हैं। मैंने कहा देख, जब हम 60 से जितना प्लस होते हैं, चलो 10 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट, मैक्सिमम 20 स्टूडेंट तक हो सकता है, 80 स्टूडेंट तक हो सकता है, लेकिन 80 स्टूडेंट से ऊपर जाती है तो वो भीड़ हो जाती है, और भीड़ में सिर्फ भाषण होता है, कोचिंग नहीं होती है। अब स्टूडेंट मेरे से परसों ही एक शाम को दुखड़ा रो रहा था, कहने लगा मैं RS की कोचिंग कर रहा हूं, 1200 स्टूडेंट है। मैंने कहा 1200 स्टूडेंट की क्लास में तुम जाते हो पढ़ने? बोले हाँ जाता हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता, स्क्रीन लगी हुई है। मैंने कहा देखो बेटा, वैसे मुझे आप पे कटाक्ष नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम RAS बन जाओ, तुम IAS बन जाओ, तो ये तुम्हारी समझ छोटी है। आप इतना ना चुन पाए कि हमें कौन सी क्लास में जाना चाहिए, सिर्फ भेड़ चाल देखा देखी, तो देखा देखी में चले गए वहां, सिर्फ ये सोच के अच्छा जब भीड़ है कुछ अच्छा होगा। अरे भीड़ तो वो लोग भी इकट्ठे कर लेते हैं, ना समझों के पास सबसे ज्यादा भीड़ होती है। नेता मतलब ना समझ, ना समझों के पास ढेर सारी भीड़ होती है, और भीड़ नहीं होती तो 500-500 रुपए देके भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, रोटी पे भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। तो तुम इतना तो समझो, प्रशासक बनने की इच्छा रखते हो तो इतनी बड़ी भीड़ में जा रहे हो, छोड़ दो। मैं जब दिल्ली में कोचिंग करने गया तो मैंने देखा वहां भी कुछ भीड़ थी, फिर मैंने पर्सनल ट्यूशन ली, और सच मानिए मुझे बहुत लाभ हुआ। छोटे बैचेस, मैं बड़े बैच में नहीं पढ़ा कभी, मुझे पसंद ही नहीं है, और वो बैच ही बेकार, जहां टीचर आपके साथ सामंजस्य न रख सके, जहां टीचर आपके साथ ये ना समझ सके कि भाई ये स्टूडेंट मेरा है, कौन है, कहां से आया, चाहे मैं हूं, चाहे दीपक सर हो, चाहे गुंजन मैडम हो, हम सब लोग हर एक स्टूडेंट को जानते हैं, पहचानते हैं। और ये ही नहीं, हम आपका डेटा रखते हैं, हम डिस्कशन, हमारी पूरी एकेडमिक टीम ये डिस्कशन करती है कि कौन से स्टूडेंट की क्या स्थिति चल रही है, और वो दर्पण होता है आपका, हमारे पास आपका पेपर, यार ये पास हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। मैं आप पे गुस्सा करता हूं ना, ये याद नहीं किया, वो नहीं किया, दरअसल ये मेरा एक अभिनय है, मैं कर्कस नहीं हूं, अंदर से कर्कस नहीं हूं। जब मैं ये अभिनय कर रहा हूं, डांट रहा हूं, तो मैं सिर्फ अभिनय कर रहा होता हूं, मैं गुस्सा ऐसे नहीं करता, मैं दिखावा कर रहा होता हूं, पर उस दिखावे से मैं ये चाहता हूं कि कुछ परिणाम आने चाहिए। जो आप चाहते हैं वही हम चाहते हैं। तो जो भी कहीं कैसी भी दिक्कत है, हमारी कोचिंग का टाइम आपका पूरा हो सकता है, लेकिन आप राजस्थली परिवार के सदस्य हो, वो टाइम कभी पूरा नहीं हो सकता। मेरे स्टूडेंट 2008 वाले भी मेरे साथ ऐसे ही जुड़े हुए हैं जैसे वो पहले दिन जुड़े हुए थे, और चूंकि उस समय मेरी भी एज कम थी, तो वो सारे के सारे मेरे दोस्त हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट मेरे दोस्त हैं, ADJ वाले तो सारे ही दोस्त हैं। तो वो जुड़ाव कभी खत्म नहीं होगा। ये ओपन है, जब भी आपको लगता है कि ये टॉपिक हमें पढ़ना है, कोई टॉपिक चल रहा है, तो आप हमेशा आ सकते हैं। आपसे कोई उसके संबंध में कोई एडिशनल फीस चार्ज नहीं की जाएगी, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। आप लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी चीजों की हमें दिक्कत है, तो हम उसको आपके साथ मिलके फिर दोबारा से कुछ अल्टरनेटिव क्लास शुरू करेंगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, मान लो आपका हो गया है, पूरा हो गया है, तो जिन लोगों ने सिलेक्शन बैच ज्वाइन किया है उनकी तो कोई समस्या नहीं, जिन्होंने टारगेट बैच ज्वाइन किया उनका पूरा हो गया, तो जिसका टारगेट बैच ज्वाइन किया तो वो टारगेट अभी अचीव करने के लिए उसे एडवांस बैच, हम चर्चा कर रहे थे एडवांस बैच चलाने की, तो उनको सिर्फ और सिर्फ मेंस पे फोकस करेंगे। एक बार उन्हें पढ़ा दिया है मेंस में क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उस पर
उसके लिए राज्य स्तरीय की पॉलिसीज बनी हुई, इंस्टीट्यूट की पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज पर डिस्कशन करके उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। और लोग भी जुड़े होते हैं तो डिस्कशन करना होता है पॉलिसीज के संबंध में, तो उसमें किसी को कोई दिक्कत है तो वो भी कर सकते हैं। बैच खत्म नहीं हुआ, आप राजस्थली परिवार के सदस्य हो, वो उसके लिए आप वैसे ही संपर्क कर सकते हो। साथ में काश ऐसी स्थिति होती कि कहीं किसी पार्क में बैठ के हम आपको पढ़ा सकते, बहुत कम फीस पर कर सकते, तो हम कर सकते थे, लेकिन वहां पार्क में मेरे से कोई पढ़ने नहीं आता, बड़ी सी बिल्डिंग, बड़े से सेटअप, बड़े से, उसी में वो सोचते हैं यही सही, तो उसके अपनी कॉस्ट है, उस कॉस्ट की वजह से आपसे वो रिपीटेड कॉस्ट ली जाती है। अब आप देखो, आप मेरे विद्यार्थी हो, करके स्टूडेंट हो, सारे परिवार के सदस्य हो, अभी बिल जमा कराया, एक इसमें दो करेक्शन है, इस वाली बिल्डिंग में, उस वाली बिल्डिंग पर तो खैर सोलर भी लग रहा है, इस वाली बिल्डिंग में दो करेक्शन है, एक आया है 55,750 का बिल जमा करा दिया, एक बिल था 52,002 रुपए का बिल एक महीने का। तो ये कॉस्ट होती है, ये कॉस्ट हमारी जेब में नहीं जाती है, और राजस्थली अपने राजस्थान में एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां 17-18 लोग आपके सहयोग के लिए लग रहे हैं, वो कोई पेपर बना रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई नोट्स अपडेट कर रहा है, इतने सारे काम, कोई कॉपी चेक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस लेवल पर डेवलप्ड इंस्टीट्यूशन कोई नहीं है, इतने सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। ये भी इतना नहीं था जब मैंने शुरू किया था, तब इतना नहीं था, तब मैं अकेले ही करता था, मैं पढ़ा लेता था बंटी, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन देख लेता था, इतने दो ही जने थे, और संडे को हम साफ सफाई कर लेते थे, हम ही खुद ही कर लेते मैं, मेरी माँ और बंटी, हम तीन ही लोग मिलकर साफ सफाई कर लेते, ऐसा था। अब चूंकि कंपटीशन का जमाना है, बेस्ट 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 और बेस्ट, तो और बेस्ट की बात है, तो इतने सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, तो इतना बड़ा स्टाफ है, तो ठीक है ना। तो आप लोगों की कोई क्लास ऐसी नहीं हुई है, उसकी लिस्ट बना दें, जिससे मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, लिस्ट बना दें, दीपक सर को दे दें, हम डिस्कस करके उनके अल्टरनेट डे क्लास लगा के उनको टॉपिक्स को भी कंप्लीट कर देंगे। राजस्थली की पॉलिसी में वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये मेरा दो निवेदन थे, इनको जो भी स्टूडेंट अपना कोई ग्रीवेंसेज हैं, जिनका कोर्स कंप्लीट हो रहा है और मेरी वाणी से वो दुखी हुए हों, मेरी फटकार से दुखी हुए हों, तो इस बात के लिए तो सॉरी, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिलेक्शन होना चाहिए स्टूडेंट्स का, इसलिए मेरी कठोरता आपके प्रति रहती है। और यदि कोच कठोर नहीं है तो वो परिणाम नहीं, वांछित परिणाम उसे नहीं मिल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।